अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फेस ग्लो के हवाले से। ईद आ रही है जैसे कि आप सब लोग जानते हो, तो क्यों ना हो जाए एक जो है वो ग्लोइंग फेस। ठीक है, जैसे कि ईद पे जो है वो सब चाहते हैं कि हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए, हमारे फेस के ऊपर जो है वो ग्लो होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश की जाती है कि जो है हम लोग जो प्राइमर वगैरह है वो हम लोग कम ही यूज़ करें और हमारे नेचुरली हमारे फेस के ऊपर जो है वो ग्लो आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक फेस पैक जो है वो बताना सिखाऊँगी, उसको आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करिएगा और उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। नहीं रिज़ल्ट सामने आए तो बेशक आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके रिजल्ट्स की जो है वो 100% जो है वो आपको मिलेंगे। एक दो जब आप अटेम्प्ट करोगे फेस पैक को इसको लेके, तो उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट जो है उसी वक्त जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है जी, आप जो है वीडियो देख लें कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है और किस तरीके से जो हमें अप्लाई करना है, तो बाकी डिटेल जो है मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये जो है ना ये घर की बनी हुई दही है। ठीक है, और करना क्या है ये देखें, ये जो है ना मैं शूट कर रही हूँ सुबह, तो जो है वो सहरी के टाइम पे ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। अच्छा, मैं आपको दिखाने के लगी हूँ, मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, इसमें से हमें चाहिए क्या, ये दही का जो जब हम दही चम्मच निकालते हैं तो हमें ये पानी जो है ना पानी आ जाता है ना दही की साइड पर, तो हमें ये वाला पानी चाहिए। और यहाँ पे अपने आपने जितना जो है ये मटेरियल रेडी करना है उसके हिसाब से जो है हमने पानी जो है वो अपने पास रख लेना है। अगर दही के बीच में थोड़े से ज़रे भी आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें जो है वो चाहिए सिर्फ पानी। और अगर जाहिर सी बात है थिक दही जो है वो जमती है, पानी कम जो है वो उसमें आता है, लेकिन अगर आप दही को इसी तरह से दो चम्मच लेने के बाद छोड़ देंगे तो पानी काफ़ी ज़्यादा जो आ जाएगा, आप अपने डिज़ायर के मुताबिक जो है वो पानी जो है इसके अंदर से इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक से डेढ़ चम्मच के बराबर जो है वो यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। जी यहाँ पे जो है और ज़्यादा पानी जो है वो इसने छोड़ दिया दही ने, ठीक है, क्योंकि दही को थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही रखा था, तो दही ने जो है अपना मज़ीद पानी जो है वो छोड़ दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मैंने जो ये तैयार कर लिए, यहाँ पे हमें चाहिए तकरीबन एक चम्मच जो है वो बेसन, आप अपने चेहरे के मुताबिक जो है वो बेसन यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, एक ने एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा यूज़ करना है, दो दफ़ा, या एक फेस पे यूज़ हो रहा है या दो दफ़ा फेस पे, तो ये एक फेस पे जो है वो एक से डेढ़ चम्मच काफ़ी होता है बेसन का। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिया है ये हुस्ने जो है वो यूसुफ है, पास करके दिखा देती हूँ, ये कुछ जो है ना इस तरह का होता है हुस्ने यूसुफ। साथ में मैंने चुटकी सी जो है वो हल्दी ली है और उसके साथ जो है मैंने संदल पाउडर लिया है, और ये जो मैंने आपको दही का जो पानी है मैंने आपको जो दिखाया था ये वो लिया है। अब हमने बारी बारी करके इन सारी चीज़ों को जो है वो इसमें जो है वो ऐड कर देना है। ये जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आपने अपने जितना पानी रिक्वायर्ड है आपने उतना ही लेना है, यहाँ पे आपने दूसरा वाटर यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे ले लेनी है, और साथ में जो है हुस्ने यूसुफ तकरीबन जो है यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लिया है, और साथ ही जितना हुस्ने यूसुफ लिया है उतना ही जो है वो संदल पाउडर का जो है वो इस्तेमाल करना। ये इतना बेहतरीन होता है फेस के लिए, इतना बेहतरीन होता है फेस के लिए कि आपके अगर फेस के ऊपर एक्नी है, अगर आपके फेस के ऊपर जो है वो ऑयली फेस है, या आपका जो इवन टोन हुआ मतलब कहीं से कोई कलर है कहीं से कोई कलर है, तो ये जो है अगर आप मास्क अप्लाई करेंगे ये वाला, तो आपका जो फेस है वो ईद तक जो है बेहतरीन जो है वो ग्लो करेगा। और अगर ईद नहीं भी होती है इसको कंटिन्यूसली जो है आप इसको यूज़ करते रहते हो तो आपका जो है फेस जो है बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो है हमारा जो मास्क जो है ये रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा फेंटेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। अच्छा जी देखें, ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया और इसको 5 मिनट तक जो है ऐसे ही पड़े रहने देना है, ताकि इसके अंदर जो तमाम हमने इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं वो एक जैसे हो जाए और इसका जो है वो असर दिखा दें। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये हमारा जो लिक्विड है ये देखें आप, ये बिल्कुल जो है वो रेडी हो गया, और ये 5 मिनट रखने के बाद ना ये स्मूथ सा हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो है वो अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर आपको जो है वो हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, और आपने जो है अप्लाई करना है हाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिकली जो है फेस के ऊपर जो है अप्लाई करना है टिल ईद तक। ठीक है, यहाँ पे ईद तक आपने इसको डेली जो है वो यूज़ करना है, और बाद में मुझे बताइएगा कि आपका इसको 2 से 3 दफ़ा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको उसी वक्त जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको जो है वो हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ।
अच्छा जी, सिंपल आपने क्या करें, अगर आपके पास ब्रशिंग है तो ब्रशेज से अप्लाई कर लें, नहीं तो अगर जो है वो फिंगर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह से ये हाथों के ऊपर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाला मास्क, आपने फेस के ऊपर भी जो है वो अप्लाई करना है, और इसको तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो लगे रहने देना है। उसके बाद हल्के हाथों से पहले इसको मास्क को गीला करना है, उसकी फेस की अच्छी तरह से मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद आपने इसको जो है वो पानी से जो है सिंपल वाटर से वॉश कर लेना है। ये इतना बेहतरीन और इतना आसान सा जो है वो जो है नुस्खा है, रेमेडी है, कि आप 1 से 2 दफ़ा जब आप इसको अप्लाई करेंगे और इसको रिमूव करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो उसी टाइम पे ही शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो है वो चीज़ें ही वो ऐसी हैं कि वो आपको फेस को भी जो है वो ग्लो प्रोवाइड करती हैं, आपका इवन टोन सही करती हैं, और आपके फेस के ऊपर अगर पिंपल हैं तो वो भी जो है वो सही करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अप्लाई कर लिए ये सारा, अब इसको ड्राई होने तक का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे रहने के बाद जब ये ड्राई होता है तो आप इसको सिंपल वाटर के साथ जो है वॉश कर लेते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये देखें यहाँ पर जो है ये बिल्कुल हमारा जो है ये ड्राई हो चुका है मास्क। अब हमने क्या करना है कि पानी लेना है थोड़ा सा, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पानी लिया है, और इसके ऊपर जो है वो पानी लगा के इसको थोड़ा सा मसाज करना है, इस तरीके से इसको अच्छी तरह से जो है मसाज करना है, ताकि ये जो फेस पैक है हमारा जो है सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाए। जैसे ही ये फेस पैक जो है वो सॉफ्ट टेक्सचर में आएगा तो उसके बाद जो है सिंपल वाटर के साथ आपने पानी चला के तो उसको जो है वो वॉश कर लेना है। यहाँ पे देखें, अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस की भी, अगर हाथों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हाथों के ऊपर जो है वो अच्छे से मसाज करनी है, और उसके बाद जो है वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने कर लिया, मैं आपको जो है वो वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट जो है वो दिखा देती हूँ। ये हमने जो है वो हाथों को वॉश जो है वो कर लिया है यहाँ पे, और ये देखें जी कितना ज़्यादा जो है पहले और अब में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा जी, फेस पैक को जो है वो अप्लाई ज़रूर करिएगा, और रिजल्ट जो है आपको मिलते हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो जो है वो कम्प्लीटली देख ली और आपको अंदाज़ा हो गया कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड की हैं और किस किस तरीके से जो है हमें अपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब बेसिकली हमने इसको जो है मिक्सर को ऐड करना है इन तमाम चीज़ों के साथ, और अप्लाई करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर कर सकते हैं, हाथों पर कर सकते हैं, पाँव पर कर सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद आपने जब आपको फील होना शुरू किया मटीरियल जो मिक्सर है वो आपका थिक होना शुरू हो गया, तो आपने इसको गीले पानी के साथ हल्के से हाथों के साथ मसाज करना है। उसके बाद जो है आपने हल्का सा जो सिंपल वाटर के साथ आपने फेस जो है वो वॉश कर लेना है, तो उसके बाद आपको उसी तरीके का जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो ग्लो है वो मिल जाएगा उसी टाइम एट आ टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, या अगर आप फेस फील कर रहे हो कि आपका फेस जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप कोई भी अच्छा सा लोशन लेके मॉइस्चराइज कर सकते हो अपने फेस को। और साथ में अगर किसी का स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसको जो है वो कुछ भी अप्लाई करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर इन समर्स में, बट अगर विंटर में आप ये चीज़ अप्लाई करते हो तो आप जो है वो आपको ऑयल फ्री जो है मॉइस्चराइज़र लोशन जो है मिलते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, आप वो भी जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी जो कि समर है तो आपको स्किन जिनकी ऑयली है उनको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो लोग जो है सिर्फ सिंपल मॉइस्चराइज़र के साथ जो है इसके बाद वॉश करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहो कि आप इसको एक दिन में 2 टाइम भी अप्लाई कर सकते हो तो नो इशू, या आपके स्किन को बिल्कुल भी वो जो है वो डैमेज नहीं करेगा, बिल्कुल जो चीज़ें हैं नेचुरल हैं, और आप अपने स्किन को एक दिन में जो है वो 2 टाइम भी इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर सकते बट ईद तक तो जो है आप करो, उसके बाद आपको जो है वो मिलेगा बेहतरीन ग्लो, आपको जो है वो फेस पे खुद भी फील करोगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होगी, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और जो रिज़ल्ट हैं मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे जो है वो थोड़ा सा फीडबैक जो है आप लोगों का मिल जाए कि आप लोगों को जो है वो रिज़ल्ट जो है वो किस तरह के मिले हैं। और दूसरा, ये जो फेस पैक है ऑलरेडी जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, और जो है मेरी फैमिली में भी यूज़ करें, क्योंकि ईद आ रही है, मैंने काफ़ी दिनों से जो है वो अप्लाई कर पा रही थी कि इसका रिज़ल्ट जो है मैं खुद देखती हूँ कि किस तरह का आता है, फिर ही मैं आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो जी, वीडियो में आपने देख लिया, वीडियो शेयर हो चुकी है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट टाइम जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो है वो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखिए, अल्लाह हाफ़िज़।